विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आज से गैंडों की गिनती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। यहां बता दें कि 1956 में पहली बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की गिनती की गई थी। वहीं 2018 में आखिरी बार गिनती हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान में 2413 गैंडे पाए गए थे, जिसे इस बार बढ़ने का संभावना जताई जा रही है। आज से शुरू हुई गिनती प्रक्रिया को लेकर काजीरंगा के कोहरा, बागोरी और आगोरातली फॉरेस्ट रेंज में जीप सफारी अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। कुल 72 कंपार्टमेंट्स में उद्यान में गैंडों की गिनती की जाएगी, जिसके लिए 63 विशेषज्ञ की मदद ली जा रही है। इस समय मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में उपस्थित हूं और आज से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की गिनती शुरू हो चुकी है। और इस समय मेरे पास है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के DFO और इस बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 85 कंपार्टमेंट में भाग किया गया है और आशा करता है कि इस बार गेंदों की संख्या वृद्धि होंगे। अभी काजीरंगा में गेंदों की गिनती जारी है। कैसे चल रहा है? Rhino census in Kaziranga is going on. We have 2 days program. So today is the first day. So first day already animators are in counting rhinos. For counting rhino, weather should be sunny, but today is a overcast weather. So that sighting is slightly less as information received from the animators. We divided this whole entire Kaziranga into 2 parts. So today animators are counting in southern bank of the Defollo River. Tomorrow that northern part of the Defollo River will be counted. Generally this we are counting rhinos from the elephant back. So there is a team consist of that mahout, then the animator and the one guard. So generally 3 persons are in 1 compartment. So they have started from the early morning. So they will search all the probable areas of rhino habitat. So after that, completion of that, their designated corridor, designated area, they are submitting the result. Is bar gende ki sankhya vidhi hone ki sambhavana hai? Definitely, there should be an increase of rhino population because Kaziranga is a very fertile land. So, yes, there is a chances of increasing. दी होने की संभावना है इस बार, क्योंकि मादा और काफ राइनो ज्यादा दिखाई दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में। और मेरा पीछे इतना दूर जो मौसम बहुत खराब है तब भी, और जो एलिमेटर्स है जो गणना में नियोजित है वो लोग अभी गिनती में नियोजित हो रहे हैं। अभी भी गिनती चल रही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और पिछली बार आखिरी बार 2018 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों की गिनती हुआ था। उस समय काजीरंगा में पाया गया था 2413 गेंडे। और इस बार सब आशा करते हैं, हम भी आशा करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे की जो वृद्धि कन्फर्म हो।